अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल मोमिन है और मैं एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट और पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल हूं। सो जनाब, आज हम एक बहुत अहम डाइट के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है GF डाइट, या जो इसका फुल फॉर्म है वो ग्लूटेन फ्री डाइट इसको कहा जाता है। सो बेसिकली ग्लूटेन एक प्रोटीन होता है जो कि गंदुम के अंदर होता है, इसके अलावा जौ के अंदर होता है और राय के अंदर होता है। जई यानी ओट्स के अंदर भी ये किसी हद तक पाया जाता है। अब वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक चीज मैं बहुत अच्छी तरह वाजे कर दूं कि ये वो वाली डाइट है जो सीलिएक डिजीज के पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी और बहुत मुनासिब है, क्योंकि सीलिएक डिजीज के पेशेंट्स ग्लूटेन प्रोटीन को हजम नहीं कर सकते। जिसका मतलब ये है कि ऐसे जो मरीज हैं वो गंदम या गंदम से बनी हुई कोई चीज, या इसी तरह बारले या जौ से बनी हुई कोई चीज, या फिर राई से बनी हुई कोई चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ऐसे मरीजों हम इस टाइप के इस्तेमाल का मशवरा देते हैं। बहरहाल वो एक अलहदा वीडियो है जिसपे इंशाल्लाह ताला मैं डिटेल के साथ किसी दिन बात करूंगा। आज हम ग्लूटेन फ्री डाइट को फैट डाइट के तौर पर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे सेहतमंद लोग इस डाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उनके ख्याल में GF डाइट या ग्लूटेन फ्री डाइट के इस्तेमाल से उनका वजन बहुत तेजी से कम होता है। इसके अलावा ग्लूटेन को बहुत सारे खाने की चीजों में बतौर बाइंडिंग एजेंट के भी इस्तेमाल किया जाता है। मसलन गोश्त या गोश्त से बनी हुई जो अशिया हमें बाजार से डब्बे में मिलती हैं, बहुत सारे सूप्स में, करीज के अंदर, जो रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स हम बाजार से लाते हैं उसके अंदर, इवन आइसक्रीम्स के अंदर ग्लूटेन को इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे लोगों का कोई ये गलत फहमी है कि ग्लूटेन प्रोटीन जो है वो शायद उनके वजन को बढ़ाने का जरिया बनती है, और इस हद तक ये गलत फहमी पाई जाती है कि बहुत बड़े बड़े जो टेलीविजन पर नजर आने वाले स्टार्स या एक्टर्स हैं वो भी ऐसी डाइट को प्रमोट करते नजर आते हैं, और उनको देखा देखी बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं वो भी ऐसी डाइट को फॉलो करने लगते हैं। अब ग्लूटेन फ्री डाइट को अगर आप सेहतमंद हैं तो इसको इस्तेमाल करने से आपको क्या नुकसान हो सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि ग्लूटेन फ्री खाना खाना कोई आसान काम नहीं है। जब आप ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में वो प्रोडक्ट्स बहुत महंगी हैं। मिसाल के तौर पे अगर ग्लूटेन फ्री ब्रेड की मैं बात करूं तो एक नॉर्मल ब्रेड जो हमें मे बी 60-70 रुपए से लेके 100 या 150 रुपए तक मिल जाती है, वो ग्लूटेन फ्री जब डबल रोटी आप लेते हैं तो वो आपको करीबन पाकिस्तान में उसकी कीमत 500 रुपए से शुरू होकर 800 रुपए तक आपको एक ब्रेड मिलती है। इसी तरह ग्लूटेन फ्री बिस्किट्स हैं या ग्लूटेन फ्री आटा है वो भी बेइंतहा महंगा है। ग्लूटेन फ्री गिज़ा का इस्तेमाल करना हर किसी के बस की बात नहीं है क्योंकि ये प्रोडक्ट्स बहुत महंगी हैं। दूसरी बात ये है कि ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैनेज इस लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत सारी पाकिस्तान के अगर अंदर हम बात करें तो हमारी ज़्यादातर जो डिशेज हैं उनके अंदर गंदम या जौ का इस्तेमाल लाजमी हो रहा होता है। मिसाल के तौर पर जब तक हम दिन में चपाती या पराठा या पूरी या ऐसी कोई चीज नहीं खाते तो हमारा खाना मुकम्मल नहीं होता, और जाहिर है कि इन तमाम चीजों के अंदर गंदम मौजूद होती है। जब आप ग्लूटेन फ्री के ऊपर जाते हैं तो आपके पास खाने पीने की अशिया की जो चॉइस है वो बहुत ही कम रह जाती है, और इस हिसाब से भी इसको फॉलो करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं रहता। और तीसरी बात यह है कि ये जो वजन की कमी वाला ख्याल है, इस टाइप का वजन की कमी से बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। जो भी बातें आप टेलीविजन पर या इंटरनेट पर सुनते हैं या देखते हैं कि ये डाइट इस्तेमाल करने से वजन में कमी होती है, वो तमाम बातें बिल्कुल गलत हैं। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और मुझे ये भी उम्मीद है कि अगर आपको सीलिएक डिजीज नहीं है तो आप ग्लूटेन फ्री डाइट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इस वीडियो को दूसरों तक शेयर भी कीजिएगा सो दैट बाकी लोगों का भी फायदा हो सके। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट कर दें सो दैट आपको आने वाली तमाम वीडियोस पर वक्त मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।